हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ फेशियल रेजर। जी हाँ, मैंने इसके पहले कभी भी अपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं किए, ना ही थ्रेडिंग से या फिर रेजर से मैंने कभी भी रिमूव नहीं किए, अपर लिप भी नहीं किया। हाँ, आईब्रोज करती थी, फोरहेड करती थी, बट मैंने अपने फेशियल हेयर जो इधर इधर होते हैं ना, वो वाले मैंने कभी भी रिमूव नहीं किया और अपर लिप भी नहीं किया है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम फेशियल रेजर यूज़ करूँगी फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी भी फेशियल रेजर नहीं यूज़ किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ऑफ कोर्स लिटिल बिट तो नर्वस होंगी और उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, जिस फेशियल रेजर से मैं अपना फेशियल हेयर आज रिमूव करने वाली हूँ, वो है चार मेसी कंपनी का, जो है ये वाला। और मैंने इसे पर्पल से परचेस किया है। तो रिसेंटली पर्पल का जो आई लव ब्यूटी सेल गया है, उसमें से मैंने ये परचेस किया था। और इसको परचेस करने का रीज़न ये था कि इसके साथ मुझे और एक फ्री में मिला है। जी हाँ, मुझे इसके साथ और एक फ्री में मिला है। तो मैंने इसके एम्बार, ऐसे तो इस पे अगर आप सिंगल इसे लेने जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट अगर इसके साथ आप दूसरा वाला फ्री में लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको MRP वाला प्राइस देना पड़ेगा, जो है इसका 199 रुपीज़ पे करके आपको एक फ्री में इसके साथ और एक मिल जाएगा। तो मैंने 199 रुपीज़ ही पे किया था और एक फ्री में ले लिया था। अभी वो सेल एंड हो चुका है, बट आगे जाके अगर कभी भी ये वाला सेल आए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। बहुत अच्छा सा सेल चल रहा था उस टाइम, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो सिर्फ यही नहीं, मैंने और भी सारे प्रोडक्ट्स लिए थे एक के साथ एक फ्री, जो मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए। आप मेरे चैनल में जाके शॉर्ट्स वीडियोस देखो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी ये वाला रेजर मैं यूज़ करने वाली हूँ, चार मेसी का, जो है फेशियल हेयर रिमूवल कॉम्बो। इसके अंदर आपको एक फेशियल रेजर मिलता है और एक आईब्रो रेजर। तो अभी मैं इसे ओपन करूँगी। तो इसका जो आईब्रो रेजर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको हर जगह ऐसे वाले लंबे आपको फेशियल रेजर हर जगह मिल जाएंगे, बट आईब्रो रेजर के टाइम आप बहुत ज़्यादा ढूंढोगे बट आपको कम ही मिलेंगे। ऐसा वाला शेप जो है कुछ ऐसे, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, आपके आईब्रोज़ को ये बहुत अच्छे से एक शेप दे सकता है। आपको अनहाइजेनिक वाला कोई फील नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक कैप भी लगा हुआ होता है। आप इस कैप को रिमूव करके यूज़ करो, उसके बाद इस कैप को फिर से लगा दो बस। और इसके साथ भी वैसा ही है, एक कैप दिया होता है। तो आज मैं इन दोनों रेजर का यूज़ करके अपना जो पूरा फेशियल हेयर है रिमूव करूँगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अंदर से डर भी रही हूँ कि कटवट ना जाए। तो अगर आपके चेहरे पे कहीं पे भी पिंपल या फिर दाने वगैरह निकला हुआ हो तो इससे यूज़ मत करना, बिकॉज कट सकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये एलोवेरा जेल, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरे कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, बस एलोवेरा जेल ही आपको यूज़ करना है। और इसके एक बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर लगाना, क्योंकि आपको शेविंग करनी है, तो इसीलिए मैं फेस का हेयर रिमूव कर लूँगी, उसके बाद मैं आईब्रोज में जाऊँगी, क्योंकि आईब्रोज में मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर होगा तो पूरा एकदम आईब्रोज ही निकल जाएंगे। तो इसलिए जो लोग रेगुलर करते हैं उन लोगों के लिए तो आसान होगा, पर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा।
मैं पहले मेरे मिरर को यहाँ पे सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं शेव करूँगी। तो मैंने जो है अपना कैमरा और मिरर सेट कर लिया है, अब मैं रेडी हूँ। बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है यार। अरे ये तो निकली, अरे ये निकल ही नहीं रहे यार, क्या ये कैसे करूँ? ओह माय गॉड, अरे यार ये निकल ही नहीं रहे। हाँ निकले, देख सकते हो इतने ज़्यादा हेयर है कि पूरा जो ये ब्लेड है ना इसमें चिपक जा रहा है, टिश्यू से नहीं निकल रहा है। तो मैंने पानी ला लिया है, पानी लाया है। अब देखती हूँ यार, कुछ हाफ फेस में तो मैं ऐसे घूम नहीं सकती ना, मुझे तो फुल फेस करना ही पड़ेगा। यार दिमाग खराब हो गया है, सोचो फेशियल रेजर में ही ऐसी हालत है तो आईब्रोज के टाइम क्या होगा, बिकॉज मेरे आईब्रोज तो देख ही सकते हो एकदम मतलब पंजाबियों के मुछों की तरह मेरे आईब्रोज है। मेरे फेस पे कहीं पे भी कट नहीं गया है, बट फिर भी मुझे नहीं पता क्यों जल रहा है और मेरा फेस एकदम रेड 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 हो चुका है। आई थिंक मेरे फेस पे हेयर बहुत ज़्यादा है इसलिए शायद मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, पता नहीं मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे इसके बाद आईब्रोज भी करना है। सो गाइस, अभी मैं जाके अपना फेस को वॉश करके आई हूँ और मैंने मिरर में देखा है
तो चाहे मैं जब कर रही थी मुझे थोड़ा बहुत पेन हो या फिर डर के वजह से वैसा फील हो रहा हो, बट जब मैंने आके मिरर देखा तो आई फील लाइक वाओ, मेरा फेस इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा फेस, बिकॉज़ मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर थे, तो आप समझ सकते हो जिनके कम होते हैं उन लोगों का ठीक ठाक है, बट मेरा बहुत ज़्यादा था। और फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, तो ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और जब मैंने मिरर में देखा अपने फेस को, तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा था, साफ़ लग रहा था और इवन टोन लग रहा था। तो मैंने कहा वाह, रिजल्ट अच्छे है, चाहे थोड़ा बहुत ठीक है, चलता है ठीक है। मैं सेकेंड टाइम इसे करूँगी या नहीं सोचूंगी ज़रूर, बट हाँ अगर कोई बहुत अच्छा फंक्शन वगैरह रहे तब तो ज़रूर करूँगी। जैसे सामने ही दुर्गा पूजा आ रहा है हम बंगालीज का, तो उस हिसाब से तो मैंने जो ये किया मुझे लगता है मैंने ठीक ही किया। चलो नेक्स्ट करते हैं आईब्रोज को, तो देखती हूँ आईब्रोज में कितना अच्छे से कर पाती हूँ और आप लोगों को कितना अच्छे से दिखा पाती हूँ। एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ आईब्रोज पे। और मेरे मिडल में भी है, ये जो मिडल में यहाँ पे भी है, तो इससे भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं करते हैं बट मैं करती हूँ। जब मैं पार्लर जाती हूँ आईब्रोज बनाने, तब मैं बीच का वाला निकाल देती हूँ। तो वो लोग पूछते हैं कि निकाले या नहीं, मैं बोलती हूँ हाँ निकाल दो। तो यहाँ पे भी मैं बीच का वाला ज़रूर निकालूंगी। तो यार ये क्यों करूंगी क्या इसके साथ। मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या करूंगी। आई थिंक आप लोग भी जब पहली बार ये करोगे, कभी ना कभी पहली बार तो किया है या फिर करने का सोच रहे हो, आपकी हालत भी ऐसी ही होने वाली है, तो हंसना मत। आई थिंक जो छोटे छोटे हेयर रह गए ना, वो प्लकर से आप निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा आसानी होगी। बट इससे क्या है ना, कट जाने का थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ का जो स्किन है वो थोड़ा सा ऐसे निकल निकल के रहते हैं ना, तो कट जाने का डर लग रहा है। ऐसे तो कटा नहीं है मेरा कहीं पे भी फेस। इससे ज़्यादा इससे होगा नहीं प्लीज़ यार, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती।
आई थिंक ये ठीक है। तो मैं इससे एक बार तो इतना ही मुझसे हो पाया है, तो मैं फिर से इसे थोड़ा सा धो के क्लीन करके आती हूँ, क्योंकि अभी भी हेयर इधर उधर लगा हुआ है। तो ठीक है, मैं आती हूँ। सो गाइस, अभी आप सब देख सकते हो मेरा फेस कुछ ऐसा दिख रहा है हेयर रिमूव करने के बाद। और मेरे जो आईब्रोज है वो पार्लर जैसे तो नहीं बन पाए, क्योंकि मैंने अच्छे से शेप नहीं दे सकी। ठीक ठाक ही है, देख सकते हो। तो चलो, इतने में ही खुश रहो, बिना पैसे के काम मतलब रेजर खरीदने में पैसा तो लगाया, करने में मेहनत भी बहुत लगाया, उससे अच्छा तो पार्लर में ही चली जाए। तब इमरजेंसी अगर आपको आ जाए कि आपके पास पार्लर जाने का टाइम ना हो, ठीक है, इमरजेंसी आ गया है, पार्लर जाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब
ठीक ठाक चलाने वाला, कुछ पूरा अच्छे से पार्लर जैसा तो होगा नहीं, तो ठीक है। और अगर आप मेरे जैसे हो कि आपको शेप में लाना आईब्रोज नहीं आता है, तो आपके लिए तो और भी कठिनाइयां बढ़ जाएगी। तो चलो, मैं अपना फेस धो के आ चुकी हूँ, और आप जैसे अंडर आर्म में रेजर करने के बाद कोई डिओड्रेंट नहीं लगाते हो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो वैसे ही हम लोग फेस पे कोई टोनर नहीं लगाएंगे क्योंकि टोनर लगाने से शायद जलन हो सकती है। तो फेस के ऊपर रेजर लगाने के बाद कोई भी टोनर मत यूज़ करना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उससे शायद आपका फेस जल सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स रेजर यूज़ किया है तो फेस को तो मॉइस्चराइज करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग फिर से एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। मैं अपना फर्स्ट जो फेशियल हेयर रिमूवर विथ रेजर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि मुझे पहले ही फीलिंग आई थी कि इतना अच्छे से होगा नहीं मेरे से। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा होगा। तो अगर ऐसा ही मेरे जैसा ही है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि आप लोगों को, मतलब फर्स्ट आप लोगों ने जब फेस पे रेजर यूज़ किया था, आप लोगों को कैसा फील हुआ था, ज़रूर लिखना। कि मैं अकेली हूँ, मुझे भी जानना है कि मैं अकेली हूँ ऐसी, या फिर आप लोग भी हैं मेरे साथ, तो ज़रूर कमेंट में लिखना। और क्या, दोबारा मैं रेजर यूज़ करूँगी या नहीं फेस पे, वो मैं सोचूंगी बाद में। बट अभी तो चलो जो करना था कर लिया फेस पे, पर ठीक है, बात का बाद में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।